फिलिस्तीन कभी भी अकेला नहीं था, उसके पास अल्लाह की यह भी मदद थी, हिम्मत थी, जिगर था, गुर्दा था। अगर आप नबी की उम्मत हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को, जितने भी 57 कंट्रीज हैं, फिर ये बैठक बैठक करके से काम नहीं चलता। हर रोज वहाँ पे, हर वक्त, हर सेकेंड वहाँ पर बमबारी हो रही है, हर सेकेंड वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें नहीं आ रही हैं, और तस्वीरें दिल को हिला देने वाली हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे मलबे के अंदर जिस तरीके से दबे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उन बच्चों का क्या कसूर है जो भी पैदा हुए हैं, जिनको हाथों में लेकर के माँ बाप उनकी शक्लों को देख करके वो रो रहे हैं? वो लोग जो इसराइल का सपोर्ट करें, पूछना चाहती हूँ कि इंसान हो या वैम्पायर बन गए हो, अगर वैम्पायर हो तो एक दूसरे के खून के प्यासे ही बन चुके हो, तो फिर तुम्हें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। भारत ने पैलेस्टीन का सपोर्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप देखेंगे तो वो पैलेस्टीन के साथ खड़े हो और ये कहा था कि इसराइल को जमीन खाली करनी पड़ेगी। पैलेस्टीन का एक मैप बड़ा वायरल है और पूरा नक्शे में किस तरीके से पैलेस्टीन हरा दिखाई देता है और उसके बाद वो पैलेस्टीन उस नक्शे से ही गायब हो जाता है। पूरी दुनिया को मालूम है, इसकी हिस्ट्री मालूम है, इसकी ज्योग्राफी मालूम है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे इसराइल पूरी तरीके से पैलेस्टीन को किस तरीके से दो टुकड़ों में बांट करके रख देता है, और उसके बाद क्या क्या कुछ नहीं होता पैलेस्टीनियों के साथ, उनकी दवा दारू से लेकर के उनके खाने पीने से लेकर, आज उनको बंदी, उनकी वाटर सप्लाई बंद कर दी, उनकी बिजली बंद कर दी है, वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पर बच्चों की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, वहां पर मुस्लिम बेटियों के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है वो नजर नहीं आता, क्योंकि इनकी आत्मा, इनकी रूह भी अंधी हो चुकी है इनकी आंखों की तरह। लगातार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का लगातार बयान आता रहा है कि हम गाजा को खत्म कर देंगे, हम गाजा को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम उनके जेनोसाइड की बात करते हैं, तो ये एक बहाना है। इसी तरीके से यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के नरसंहार की लगातार बात होती है, लगातार लिंचिंग होती है, लगातार दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जाती है, तो सेम उसी तरीके से ये जो तमाम जो आप समर्थक और ये गोदी मीडिया आप देख रहे हैं, ये भाईचारा जो आप देख रहे हैं इसराइल के साथ, वो क्यों है, किस लिए है, क्या पैटर्न है, क्या इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो इस बात से समझ में आ रहा है। हमास के अटैक को कैसे देखते हैं, हमास के अटैक को कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर है अगर किसी को आज आप इतना मजबूर कर दें, और हमास के अटैक को, मैं तो बार बार इसको कहती हूँ कि मैं, आप ब्रिटिशर्स जब हमारे देश के अंदर आए, आप इसको समझिए कि ब्रिटिशर्स जब हमारे देश के अंदर व्यापार करने आए और उसके बाद किस तरीके से पूरे भारत देश के ऊपर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद हमें को गुलाम बना लिया। लेकिन आज वो जो माफी वीर थे, जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, जो माफिया मांगते थे, आज वो बात कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और इसराइल कहते हैं हम इसराइल के साथ खड़े, जिनको मालूम ही नहीं है इसराइल का ना आगे पता, ना पीछे पता, ना उसकी हिस्ट्री पता, ना ऊपर पता, ना नीचे पता। तो जाहिर है कि ये जो वो लोग हैं जो माफी वीर हैं, जो संगी हैं, जो संगी विचारधारा रखते हैं, उनको जिस तरीके से वीडियो आई पैलेस्टीन से, गाजा से या इसराइल से जो वीडियोस आ रही हैं, देखिए उसके अंदर गाजा और पैलेस्टीन से इस तरीके की कोई वीडियो नहीं है। जो वीडियो रिलीज की वो इसराइल ने रिलीज की, क्योंकि पहले ही वहाँ पे जितने भी टावर थे सारे उड़ा दिए गए, लगातार बमबारी चल रही है वहाँ पर, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। लेकिन आज जो इसराइल जितने भी वीडियो को बार बार विक्टिम कार्ड खेल करके ये कहता है कि ये देखो हमारे साथ जो हो रहा है, ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए साफ है कि हिंदुस्तान के अंदर भी इसी तरीके से हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने जो हर हथकंडा अपनाया है, हर तरीके से हम हिंदुस्तानी जो मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, वो सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना किया था। आज हमास भी अगर अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपने मकान के लिए, अपनी जमीन के लिए अगर लड़ रहा है, तो आप उसको आतंकवादी कहते हैं, अगर वो आतंकवादी हैं तो फिर हम क्या हुए? लेकिन मैम एक चीज बताएं कि जिस तरह से लोग अपने देश में एक तरफ आई स्टैंड इजराइल कर रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ नहीं रहा, दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन के समर्थन कर रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए देश के अंदर दो तरीके के कानून है, एक वो कानून है जो एक हिंदुत्ववादी, जो तमाम जो दल बीजेपी के दल हैं उनके लोगों के लिए, आप देखिए कि वो कुछ भी मुसलमानों को उनके जेनोसाइड की बात कर दें, उनको मारने काटने की बात कर दें, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर किस पर होगी? अगर मुसलमान कोई ट्वीट कर दे, छोटा सा अगर कोई ट्वीट कर दे तो उस पर एफआईआर होगी। अगर किसी अपनी सोच से, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर तो हम अपनी एक सोच रखते हैं, अगर किसी की कोई सोच है
प्रधानमंत्री जी की अपनी सोच है, उन्होंने अपनी सोच के तहत एक स्टेटमेंट ट्विटर पे लिखा, लेकिन वो भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन उसके बाद जो तमाम जो भक्त थे उन्होंने खूब मुसलमानों के मारने काटने की बात कर दी, क्या क्या ट्वीट नहीं किए कि बिल्कुल गाजा को खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, वहां के बिना सोचे समझे कि वहां के सिविलियंस उनका क्या कसूर है, उन बच्चों का क्या कसूर है जो भी पैदा हुए हैं, जिनको हाथों में लेकर के माँ बाप उनकी शक्लों को देख करके वो रो रहे हैं। देखिए आज हालात हिंदुस्तान के हम सब जानते हैं कि हालात क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो भी हम बहुत वक्त से जानते हैं। मेरा मुसलमान होना काफी है। आज एक स्टेट है हिंदुस्तान का ही, मणिपुर, आज वो जल रहा है लेकिन किसी को नहीं दिखता। आज एक स्टेट है इसराइल के लिए हम दुख जताते हैं, हम कहते हैं नग्न महिला अगर वहां पर ऐसा हुआ है तो निंदनीय है, अफसोसजनक है, नहीं होना चाहिए। इसी में सवाल जुड़ा हुआ है कि मणिपुर पिछले 5 महीने से जल रहा है, नेशनल मीडिया को कोई एंकर वहां नहीं पहुंचता है, और इसराइल और हमास या फिलिस्तीन के बीच में जो जंग जारी है, लाइव कवरेज के लिए लोग वहां तक पहुंच रहे हैं और अपना मणिपुर जल रहा है वहां नहीं पहुंच रहे हैं, उसकी किस तरह? देखिए सत्ता का यही तो दुरुपयोग है कि आज आप कोसों दूर ना ही वो आपका पड़ोसी मुल्क है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में ही जंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर ही ये जो जिस तरीके से ये धड़े बटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत में ही कहीं किसी जगह पर साउथ वेस्ट ईस्ट में कहीं पर इस तरीके की जंग हो गई है, जहां पर लोग धड़ों में बंट करके एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन आज जो हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है वो वहां पर पहुंचता है, वहां पर क्यों पहुंचता है, ऊपर से आदेश है तो पहुंचता है वहां पर दिखाने के लिए, एक नफरत परोसने के लिए। 2024 हमारे सर पर है, चुनाव किस पर लड़ना है, चुनाव हिंदू और मुसलमान पर लड़ना है, एक ये नेगेटिव पेश करना है कि देखो किस तरीके से अगर इसराइल के ऊपर अटैक हो सकता है तो देखो मुसलमान तो फिर किस तरीके से तुम पर राज करेगा, तो ये नेगेटिव लोगों के दिमागों में बिठाना है और इसी पर चुनाव लड़ना है। लेकिन आज आप कहते मणिपुर की बात करते तो मणिपुर आज कई महीनों से जल रहा है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी मीडिया इसको दिखाने को तैयार नहीं होता, कोई सवाल पूछने को वहां पे भी प्रधानमंत्री तो बोले तो लोगों को वहां की महिलाएं, नग्न महिलाएं नहीं दिखती हैं, वहां पर बच्चों की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, वहां पर मुस्लिम बेटियों के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है वो नजर नहीं आता, मध्य प्रदेश की बेटियों के साथ जिस तरीके से हर रोज हैवानियत हो रही है वो नहीं दिखती है, बिल्किस बानो गुजरात के बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो नहीं दिखता है, तो जितने भी चिन्मयानंद राम रहीम जैसे और ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हैं वो जो बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं वो नजर नहीं आता है, क्योंकि इनकी आत्मा, इनकी रूह भी अंधी हो चुकी है इनकी आंखों की तरह। देखिए इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज जिस तरीके से देश को जिन हाथों में, ये जिस तरीके से गलत हाथों में है, देखिए बहुत अफसोस होता है कि जब ये तस्वीर देखते हैं कि आज जगह जगह से बेटियों की जो तस्वीरें आती हैं, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो या तमाम और जगहों से, जिस तरीके की डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले लोग, जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर वो कम से कम निंदा तक नहीं करते, तो ये इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या होगा जहाँ पर निंदा तक नहीं होती। लेकिन एक चीज और ये जानना चाहेंगे, जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया तब देश के प्रधानमंत्री का बयान आया, लेकिन अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आता है, अब इन दोनों के स्टेटमेंट को अगर आप कंपेयर कर देते हैं कैसे देखते हैं? देखिए दोनों ही, अब ये देखो ये तो पलटू राम है, आपको मालूम है माफी वीर हैं, तो ये तो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी पलट जाते हैं और इनको पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए हमेशा से जिस तरीके से भारत ने पैलेस्टीन का सपोर्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो वो पैलेस्टीन के साथ खड़े और ये कहा था कि इसराइल को जमीन खाली करनी पड़ेगी, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कही थी और तमाम सोशल मीडिया पे इसका वीडियो भी है, लेकिन लगातार जो प्राइम मिनिस्टर किसी जहां पर जिसकी जमीन है, जिस तरीके से आपने देखा कि वो एक पैलेस्टीन का एक मैप बड़ा वायरल है और पूरा नक्शे में किस तरीके से पैलेस्टीन हरा दिखाई देता है और उसके बाद नक्शे से ही गायब हो जाता है, पूरी दुनिया को मालूम है, इसकी हिस्ट्री मालूम है, इसकी ज्योग्राफी मालूम है कि क्या हुआ था कैसे इसराइल पूरी तरीके से पैलेस्टीन को किस तरीके से दो टुकड़ों में बांट करके रख देता है और उसके बाद क्या क्या कुछ नहीं होता है पैलेस्टीनियों के साथ, उनकी दवा दारू से लेकर के उनके खाने पीने से लेकर, आज उनको बंद, उनकी वाटर सप्लाई बंद कर दी, उनकी बिजली बंद कर दी है, वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं और ये स्टेटमेंट है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का, ये स्टेटमेंट है कि इनको इसी तरीके से मारा जाएगा, ये स्टेटमेंट है कि इनको इनको खाना नहीं दिया जाएगा, इनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी, तो इससे ज्यादा वो लोग जो इसराइल का सपोर्ट करें, पूछना चाहती हूँ कि इंसान हो या वैम्पायर बन गए हो, अगर वैम्पायर हो तो एक दूसरे के खून के प्यासे ही बन चुके हो तो फिर तुम्हें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। मैम एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमास का अटैक हुआ उसके बाद जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में गए तो उनको गद्दार बताया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि कल को अगर पाकिस्तान
के साथ युद्ध होता है तो ये लोग पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। देखिए गद्दार तो हमें शुरू से बताया जाता है, भरी संसद के अंदर हमारे एक सांसद को किस तरीके से कटुआ भड़वा उग्रवादी और आतंकवादी बता दिया गया, क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था? चंद सवाल किए थे जनता के लिए, आवाम के मुद्दों को लेकर के सवाल किए थे मोदी जी से, लेकिन उनको किस तरीके से जो शब्द बोले गए, देखिए वो शब्द बार बार अगर जब हम उसको रिपीट करते हैं तो खुद को शर्म आती है कि आज हम इस देश के अंदर हमारी ये हालत हो गई है कि हमसे बार बार सर्टिफिकेट मांगा जाता है, हमसे ये कहा जाता है आप अपनी देशभक्ति प्रूफ करिए। जय श्री राम जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक आपकी देशभक्ति प्रूफ नहीं होगी। तो आप अगर आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद की परिभाषा, तो आतंकवादी तो हम शुरू से हैं क्योंकि आज़ादी का आंदोलन हमारे पूर्वजों ने लड़ा, हमारे लोगों ने लड़ा। तो जब आज़ादी के आंदोलन में हमने बमबारी की, हमने मारा, हमने अपनी आज़ादी ली, तो हम तभी आतंकवादी बन गए थे। तो आज मुझे आतंकवादी कहलाने में मुझे प्राउड होता है, मुझे उग्रवादी कहलाने में मुझे प्राउड होता है, और मैं आज इस वर्ड के साथ, इस शब्द के साथ मैं जीती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आतंकवादी हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमास को आतंकवादी कहा जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, तो मुझे खुशी होती है। अब मुझे शब्द से गुरेज नहीं है, मुझे शब्द से बहुत खुशी मिलती है कि मैं आतंकवादी हूँ, क्योंकि मैं, मेरे पूर्वजों ने, मेरे लोगों ने, मेरे स्वतंत्रता सेनानियों ने, मेरे भगत सिंह मेरे थे, महात्मा गांधी मेरे थे, ये सावरकर या गोडसे या इन माफी वीरों के नहीं थे। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आतंकवादी हूँ, मेरे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सभी आतंकवादी थे। 56 से 57 मुल्क मुसलमानों के हैं, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ इसराइल के समर्थन में लोग आ रहे हैं और अपना बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फिलिस्तीन अकेला पड़ गया है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए फिलिस्तीन कभी भी अकेला नहीं था, उसके पास अल्लाह की गैबी मदद थी, हिम्मत थी, जिगर था, गुर्दा था। देखिए फिलिस्तीन के अंदर चाहे हम कहें कि जितनी भी बमबारियां हो, जितने भी लोग मारे जाएं, लोग बहुत हिम्मत से लड़ते रहे। और मैं ये कहूँगी कि आज बिल्कुल फिलिस्तीन अलग अकेला खड़ा है, और तमाम जो अरब जो जितने भी मुल्क हैं और मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57 OIC की आज बैठक हुई, लेकिन सब वर्बली चीज़ें हो रही हैं कि हम सपोर्ट करें, हम साथ खड़े हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर साथ खड़े हैं तो एकजुट होकर के वो ताकत दिखाइए और फिलिस्तीन के साथ जाकर सही मायने में खड़े होइए, क्योंकि ये वक्त है। फिलिस्तीन जब फिलिस्तीन को नेस्तनाबूत कर दिया जाएगा, जब उसका जेनोसाइड कर दिया जाएगा, जिस तरीके से इसराइल कर रहा है, अब आप देखिए कि जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि अब वो जमीनी लड़ाई लड़ेगा, तो आप फिर जब खत्म हो जाएगा फिलिस्तीन पूरी तरीके से, आप लगातार, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, 75 साल से ये मुद्दा चल रहा है। तो आज आप ये मीटिंग करके, ये बैठक करके आप कहते हैं हम साथ खड़े, ये कैसा साथ है? तो मुझे लगता है कि अगर आप नबी की उम्मत हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को, जितने भी 57 कंट्रीज हैं, फिर ये बैठक करके सिर्फ काम नहीं चलता। हर रोज वहाँ पे, हर वक्त, हर सेकेंड वहाँ पर बमबारी हो रही है, हर सेकेंड वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें नहीं आ रही हैं, और तस्वीरें दिल को हिला देने वाली हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे मलबे के अंदर जिस तरीके से दबे हुए हैं, शेर जिस तरीके से, वो शेरों की तरह लड़े हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं अपनी रोटी के लिए, अपनी जमीन के लिए। तो कम से कम जितने भी सीरिया, टर्की, ईरान, ये तमाम जो ये मुल्क हैं, ये इन सबको एक साथ आकर के कम से कम इस बात का सबूत देना चाहिए कि हम वो वाकई में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं।